आप लोग देख सकते हैं ये जो गंडक है, इसका गंडक का नाम बूढ़ी गंडक है। और इसके यहाँ का चाय बहुत ही काफी डिलीशियस होता है। रोसरा में जो है सो जो फाटक है वहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। बहुत कठिनाई हो रहा है, बहुत कठिनाई होता है और काफी लंबा लंबा दूर दूर तक जाम लग जाता है भाई। ये भाई साहब देख लीजिए, गाड़ी खड़ी करके फोन पे बात कर रहे हैं बीच रोड में। सिनेमा जो है सो काफी पहले बंद हो गया है, लेकिन सिनेमा चौक के नाम से ये जगह फेमस है यहाँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द चैनल, मैं हूँ अर्षद, आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नए ब्लॉग में। तो आज का जो ब्लॉग है ना वो काफी शानदार होने वाला है और काफी महत्वपूर्ण भी है। और अभी लोकेशन की अगर हम बात करें तो रोसरा समस्तीपुर वाला रोड है जो कि SH-55 है, वहाँ पर मैं खड़ा हूँ। और यहाँ से रोसरा जो है सिर्फ 4 किलोमीटर है। तो आज हम आप लोगों को रोसरा मार्केट जो है सो घुमाने वाले हैं, जो कि रोसरा समस्तीपुर आप लोगों ने नाम सुना होगा। तो रोसरा समस्तीपुर जो है सो आप लोगों को बाजार पूरा दिखाएंगे और रोसरा में क्या कुछ है सब कुछ आप लोगों को दिखाएंगे। तो वीडियो के आखिर तक बने रहे, अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से रोसरा जो है सो मात्र सिर्फ और सिर्फ 4 किलोमीटर है। और यहाँ पर जो ओवर ब्रिज है ना, और ये जो नीचे में नदी आप लोगों को दिख रहा होगा, जो गंडक है इसका गंडक का नाम बूढ़ी गंडक है। ये बूढ़ी गंडक हो गया जो कि देख सकते हैं सनसेट भी होने वाला है, काफ़ी शानदार व्यू आ रहा है। मैं थोड़ा सा रुक के आप लोगों को दिखाऊँ यहाँ पर, ये देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत वाला वाइब यहाँ पर आ रहा है। जो है सो टाइम की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर 4 बजने वाला है और सनसेट भी होने वाला है। देख लीजिए काफ़ी खूबसूरत वाला मंजर है यहाँ पर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं रोसरा की तरफ। अभी हम रहुआ चौक पर आ चुके हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मार्केट वगैरह छोटा छोटा मार्केट है, ये रहुआ चौक है जो कि आप देख सकते हो RCD रोसरा और रहुआ लिखा हुआ है बड़ा सा बोर्ड में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी रोसरा का बस स्टैंड आने वाला है। ये हो गया आपका पूरा रहुआ गाँव है, ये पूरा का पूरा गाँव का नाम ही रहुआ है। देख सकते हैं पुलिस चेकिंग भी हो रहा है भाई, अगर आप आते हो तो हेलमेट वगैरह लगा के आना। और ये सामने देख लीजिए रोसरा बस स्टैंड है, तो यहाँ पर भाई पुलिस चेकिंग भी चल रहा है। चलिए तो यहाँ पर ही जो है सो रोसरा का नया बस स्टैंड है। 8 बजे सुबह से लेकर के शाम के रात के 8 बजे तक जो है यहाँ पर बस मिलती है हमेशा। और समस्तीपुर हो गया, पटना हो गया, फिर दलसिंहसराय हो गया, ये सब जाने के लिए यहाँ से हमेशा मतलब बस मिलता रहता है। जो पटना दलसिंहसराय का भी बस लगा हुआ जो कि बस का नाम है दरबार। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, बस स्टैंड से निकलेंगे। ये मार्केट को देख लीजिए, इस लोकेशन को आप लोग देख लीजिए। यहाँ पर एक जो है सो अमारी तंदूरी बोल करके एक चाय वाला है। चलिए, इसके यहाँ का चाय बहुत ही काफ़ी डिलीशियस होता है और काफ़ी टेस्टी भी होता है। तो देख लीजिए इसका बोर्ड लगा हुआ है हमारी तंदूरी चाय। यहाँ पर आने के बाद, अंदर में आने के बाद पता चल रहा है कि जो चाय है ही नहीं, हमारी तंदूरी में आए यहाँ पर। और जो चाय बनाने वाला जो बावर्ची है वो आज ड्यूटी में ही नहीं आया क्योंकि लगन का है, सारे लोग जो है सो अपना लगन में गए हुए हैं, तो यहाँ पर चाय अवेलेबल नहीं है। अच्छा, कॉफ़ी चिनो हो जाएगा, तो ठीक है कॉफ़ी चिनो दे दीजिए। तो हम लोग कॉफ़ी चिनो पीने वाले हैं और देखते हैं कैसा है रोसरा का कॉफ़ी चिनो। फाइनली भाई हमारा जो कैपेचिनो है वो बिल्कुल तैयार हो गया है, तैयार होकर के टेबल पर लग चुका है। भाई हमने कैपेचिनो पी लिया है, अब चलिए रोसरा को एक्सप्लोर करते हैं, रोसरा का मार्केट आप लोगों को हम दिखाते हैं। आप सामने देख सकते हैं लोकेशन कुछ इस तरह से, हमारी तंदूरी का चाय वाला है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, और जैसे ही आगे बढ़िएगा तो आपको एक मिलेगा इंडियन ऑयल पेट्रोल पम्प, जो कि आप यहाँ पर आप फ्यूल भरवा सकते हैं। गाड़ी में यहाँ पर देख सकते हैं मेरे राइट साइड में इंडियन ऑयल है। लोकेशन की अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पर हमेशा जाम लगा रहता है। मतलब क्या है ना, यहाँ पर बड़ी गाड़ी अगर आ गया गलती से तो भाई जाम में आपको फंसना ही फंसना है। और मेरे लेफ्ट साइड में आप देखेंगे यहाँ पर होंडा का शोरूम भी है, जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर अगर आप रोसरा में आते हैं, होंडा का गाड़ी है सर्विसिंग कराना है या फिर नया गाड़ी लेना है, तो ये होंडा का शोरूम है जो कि आप देख सकते हैं। और भाई यहाँ पर हमेशा जो है सो मोड़ पर ना हमेशा जाम लगी रहती है। चलिए और आगे बढ़ते हैं, और रोसरा के अंदर जो है सो ट्रेंड्स वाला जो है मार्ट भी है, यहाँ पर देख सकते हैं परिवार जी मार्ट लिखा हुआ है। चलिए मैं आप लोगों को यहाँ से दिखा देता हूँ, ये देख लीजिए ट्रेंड्स का जो मार्ट है और ये शोरूम है, कपड़े वगैरह जो है सो शॉपिंग आप यहाँ पर कर सकते हैं। और उसी के बाजू में ही जो है सो बिल्कुल सटे हुए जस्ट दूसरे बिल्डिंग में जो है सो यहाँ पर आप देख सकते हो नंबर 1 इंडिया फैमिली मार्ट है यहाँ पर, जो कि आप देख सकते हैं उसका कुछ लुक इस तरह से आता है देखने को। तो इसके अंदर भी काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में, मतलब काफ़ी सस्ता प्राइस में ऑफर जो है सो हमेशा इसमें लगता रहता है और सस्ते में भी सामान यहाँ पर मिलता रहता है। ये देख लीजिए, ये हो गया इंडिया फैमिली मार्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं, और आगे जो है सो आप लोगों को एक मोड़ मिलेगा
मतलब सीधा रोड अगर हम जाएंगे तो पुराना वाला जो बस स्टैंड था उसमें चले जाएंगे वहाँ पर, और अगर इधर से इधर मुड़ेंगे तो आप जो है सो सिनेमा चौक की तरफ अगर चले जाएंगे। तो ये जो रोड है अभी मैं सिनेमा चौक की तरफ जा रहा हूँ, रोसरा का जो सिनेमा चौक है, ये भाई साहब को देख लीजिए जहाँ तहाँ मोड़ देते हैं, ये जहाँ तहाँ जो है सो गाड़ी घुसा देंगे और मोड़ देंगे, मतलब अजीब लगता है। ये भाई साहब देख लीजिए गाड़ी खड़ी करके फ़ोन पर बात कर रहे हैं बीच रोड में, क्या ही बोला जाए बताइए, बीच रोड में गाड़ी खड़ा करके फ़ोन रिसीव कर रहे हैं, और कम से कम साइड तो लगा लो रे भाई, साइड लगा कर तो कॉल पे बात करो ना। और देख लीजिए ये सिनेमा चौक के पास मैं पहुंचने वाला हूं, और ये एक होटल है, मैं आप लोगों को दिखा दूं, आरके होटल है जो कि काफ़ी रोसरा का फेमस होटल है। यहां पर जो चाट वगैरह जो है सो काफ़ी बढ़िया मिलता है, आप देख सकते हो यहां पर लोकेशन देख सकते हो आप, यहां पर सिनेमा चौक है सामने, और ये जो है सो आरके होटल है, यहां पर आप अगर आओगे तो चाट वगैरह जो है ट्राई कर सकते हो और स्वीट वगैरह जो है ट्राई कर सकते हो, काफ़ी स्वादिष्ट रहता है। और ये सिनेमा चौक है भाई, सिनेमा तो काफ़ी पहले बंद हो चुका है, और यहाँ पर एक SBI का ATM भी आपको मिल जाएगा। तो सिनेमा जो है सो काफ़ी पहले बंद हो गया है, लेकिन सिनेमा चौक के नाम से ये जगह फेमस है, यहाँ पर भी काफ़ी रश होता है और काफ़ी भीड़ भाड़ इलाका होता है। अभी तो भाई भीड़ कम है, मैं निकल लेता हूँ, लेकिन हमेशा जाम की समस्या बनी रहती है। तो ये हो गया आपका सिनेमा चौक। अगर इस लोकेशन की अगर हम बात करें तो आपको मैं बताऊँ, यहाँ से ये जो सिनेमा चौक है तो ये तो आपका इधर जो ये रास्ता जो गया है ये आपका सिंघिया की तरफ चला गया है, सिंघिया हो गया, दूधपुरा हो गया, केलवा घाट हो गया, और ये वाला जो रास्ता गया है ना ये हसनपुर के तरफ, बिथान की तरफ चला गया, मतलब बिथान यहाँ पर लोकल में बाज़ार है, हसनपुर भी एक छोटा सा बाज़ार है जिसमें चीनी मिल भी है हसनपुर में, तो वो सब चीज़ जो है सो आपको इस रास्ते में मिलेगा। सामने ब्लॉक रोड भी जो है सो आगे है रोसरा का ब्लॉक रोड, और ये मार्केट जो है सो आगे गुजरी बाज़ार भी है, महावीर चौक भी है, सारी चीज़ें आप लोगों को हम दिखाएंगे। तो भैया रोसरा का मेन मार्केट कह लीजिए यही है, और यहाँ पर जो है सो हर चीज़ मिल जाता है, आप अगर आते हैं यहाँ पर तो कोई भी चीज़ की ख़रीदारी करनी हो इजीली आपको यहाँ पर ज़रूरत के सामान मिल जाएंगे। देख सकते हैं दोनों साइड में जो है सो शॉप है, काफ़ी सारी दुकानें हैं, और यहाँ पर ट्रैफिक भी बहुत ज़्यादा रहता है। ये है अपना रोसरा मार्केट, और आगे बढ़ेंगे तो महावीर चौक, मतलब महावीर चौक आएगा, वहाँ पर जो है सो गुदरी बाज़ार भी है, उसका भी दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए भाई फल फ्रूट वाले भी भैया बहुत सारे हैं यहाँ पर, और सामने जो है सो एक मंदिर आप लोगों को नज़र आएगा जो कि महावीर चौक के नाम से ये मशहूर है, और वहाँ से ही जो है सो एक रोड जो है सो अंदर ब्लॉक रोड की तरफ गया है, जो मतलब जो कोर्ट कचहरी वाला रोड है वो रोड है सामने जो कि आप देख सकते हैं। और ये देख लीजिए ये मंदिर है भाई साहब यहाँ पर, उसको ही महावीर चौक बोलते हैं, और ये वाला जो रोड गया है ना ये गुदरी बाज़ार है रोसरा का, जो कि कपड़ा वगैरह खरीदारी करना हो तो उसके दम भी जा सकते हैं। और ये वाला जो रोड है ये ब्लॉक रोड है, ये वाला जो रोड है ये ब्लॉक रोड है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और ये जो है सो इधर जो है गुदरी बाज़ार की तरफ है, और इस सीधा जो है सो हसनपुर और बिथान की तरफ निकल गया है ये रास्ता। चलिए थोड़ा और आगे बढ़ेंगे और आप लोगों को रेलवे फाटक तक लेकर के जाएंगे रोसरा के एंड तक, क्योंकि हमने जो स्टार्ट किया था रोसरा से, रोसरा में एंट्री करने से पहले स्टार्ट किया था 4 किलोमीटर, और रोसरा से बाहर निकलेंगे तो भी आप लोगों को हम पूरा दिखाएंगे। तो यहाँ पर भी काफ़ी सारा मतलब कि दुकान है, चौधरी वस्त्रालय जो कि रोसरा में काफ़ी फेमस दुकान है, चौधरी वस्त्रालय मतलब कपड़े का दुकान है, आप यहाँ पर अभी ख़रीदारी कर सकते हैं। थोड़ा महंगा रहता है, लोगों के द्वारा कहा जाता है भाई थोड़ा लूटता बहुत ज़्यादा है वो, मतलब स्टार्टिंग में बहुत अच्छा मतलब सस्ता दे रहा था, लेकिन अब थोड़ा पुराना हो गया है तो थोड़ा लूट रहा है। तो भाई आप आए एक बार, आपके हिसाब से ट्राई करें, आपको जैसा लगे वैसा शॉपिंग खरीदारी अपना खुद से मतलब सोच समझ के करें। सबका अपना अपना चॉइस है, किसी को महंगा लगता है, किसी को सस्ता लगता है, मतलब क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है ना भाई, महंगा सस्ता क्या है। तो यहाँ पर आप आने के बाद देख लीजिए यहाँ पर भी एक जाम की समस्या बनी हुई है, इसलिए क्योंकि यहाँ पर रेलवे फाटक है, जो रेलवे क्रॉसिंग है समस्तीपुर हसनपुर वाला जो रोड है, रोसरा में भी स्टेशन है, आगे भी रेलवे स्टेशन है यहाँ पर रोसरा समस्तीपुर में, अगर आप आएंगे तो रोसरा में भी जो है ये रोड जो है सो रेलवे स्टेशन की तरफ चला गया है। और यहाँ पर देख लीजिए फाटक है, रेलवे फाटक अभी तो खैर भाई बंद नहीं है, मेरे को लगता है ऐसा, थोड़ी देर पहले ये बंद था इसलिए इतना जाम की समस्या बनी हुई है। ये फाटक के पास भाई काफ़ी लंबा जाम लग जाता है, मैं भाई गुजारिश करूँगा यहाँ के लोकल विधायकों से कि भाई किसी तरह से यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज का जो है सो निर्माण कराया जाए, ताकि भाई लोगों को ना जाम की समस्या पूरी तरह से ख़त्म हो जाए। यहाँ पर अगर ROB का निर्माण हो गया ना तो काफ़ी बढ़िया हो जाएगा जाने आने के लिए, क्योंकि भाई बहुत ज़्यादा जाम लगता है यहाँ पर, और काफ़ी दूर दूर तक जो है सो जाम लग जाता है। जो देख सकते हैं ये जो ट्रक है सामने रोसरा घाट आप लोगों को दिख रहा होगा जो कि स्टेशन है, ये देख लीजिए सामने आप लोगों को शायद मेरे भी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, रोसरा घाट का बोर्ड भी लगा हुआ है, रेलवे स्टेशन है यहाँ पर रोसरा घाट, और यहाँ पर क्रॉसिंग कर रहा है। यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज बनना चाहिए, अगर
बनना चाहिए। तो रोसड़ा वालों, आप अगर देख रहे हो रोसड़ा वाले, रोसड़ा से अगर आप हो तो भाई कमेंट करके बताओ यहाँ पर ओवर ब्रिज बनना चाहिए कि नहीं चाहिए, क्यों कितना जाम लगता है ना यहाँ पर। तो अगर आप रोसड़ा से देख रहे हो तो भाई कमेंट करके बताओ, कहीं से भी देख रहे हो आप तो, मतलब अगर आप आसपास से देख रहे हो तो कमेंट करके बताओ यहाँ पर रेलवे ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए कि नहीं, कमेंट करके ज़रूर बताना भाई। आप हमारे चचा मिले हैं जो कि लोकल के हैं, आसपास के हैं, जो रोसड़ा फाटक है, बिल्कुल रोसड़ा फाटक से जैसे ही मैं आगे बढ़ा हूँ इनका दुकान मिला है। यहाँ पर मैं तो थोड़ा पान खाने के लिए रुके हैं, क्योंकि बिहार में अगर हैं तो भाई पान का स्वाद भी लेना ज़रूरी है। तो ये पान वाले चचा से हम थोड़ा बात करने की कोशिश करेंगे। और चचा कैसे हैं आप? अच्छे हैं। अच्छे हैं, थोड़ा इधर देख के बोलिए। अच्छे हैं, अच्छे हैं। और यहाँ जो रेलवे फाटक है यहाँ पर बड़ा लंबा लंबा जाम लगता है। जी जी जी, जाम लगता है। तो क्या लगता है आप लोगों को यहाँ पर जो है सो एक ओवर ब्रिज होना चाहिए कि नहीं चाहिए? एकदम होना चाहिए। तो बहुत ज्यादा जाम लगता है। मैं भी यही कह रहा था आप लोगों से कि भाई आप रोसड़ा वाले हो तो कमेंट करके बताओ और इस वीडियो को जो है शेयर करो, ताकि लोगों को पता चल सके भाई यहाँ पे रोसड़ा में जो है सो जो फाटक है वहाँ पर ओवर ब्रिज का निर्माण होना चाहिए। बहुत कठिनाई हो रहा है, बहुत कठिनाई होता है और काफी लंबा लंबा दूर दूर तक जाम लग जाता है। भाई मैं भी इस जाम में फंसा हूँ हमेशा, जब भी आता हूँ तो भाई जाम में फंसना ही फंसना, आधा घंटा एक घंटा यहाँ पर लग ही जाता है। यहाँ तक जाम लगा हुआ रहता है, यहाँ तक, मतलब देख लीजिए रेलवे फाटक काफी पीछे है, टावर है, टावर 600-700 मीटर आगे है फाटक, लेकिन यहाँ पर जाम की समस्या बनी रहती है। तो रेलवे फाटक यहाँ पर जो है सो ओवर ब्रिज होना चाहिए, है ना? जी 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 हाँ। और आपका नाम क्या हुआ? विपिन कुमार। विपिन कुमार, चलिए बहुत खुशी हुआ आपसे बात करके। और आपकी राय जानकर, दामोदरपुर? जी दामोदरपुर में है। अच्छा, दामोदरपुर में है। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। फाइनली भाई मैं रोसड़ा से बाहर निकल चुका हूँ। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं आप लोगों को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।